जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों, ये वीडियो सेकंड पार्ट है आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी, जिनमें जो जीके का जो रीजनिंग का जो लेवल रहता है उसके लिए। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन किए थे, अब अगले क्वेश्चन से हम देखते हैं कि किस प्रकार के आते हैं। ये पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप एंड तक देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको इसे अनुमान लगे और आप भी मेरे साथ क्वेश्चन हल कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या है कि एनआर को एमआई लिखा जाए तो बीके को क्या लिखेंगे। एनआर को एमआई लिखा जाए तो बीके को क्या। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपने अल्फ़ाबेट सीखी होगी ए बी सी, ये हम लिखते हैं लास्ट में एम तक, और फिर अल्फ़ाबेट को हम इधर से उल्टा लिखना शुरू करते हैं एन ओ पी, इस प्रकार से। तो हुआ क्या, इसमें जो एन है उसका अपोजिट क्या आता है दोस्तों, एम। आर का अपोजिट क्या आता है दोस्तों, आई। किस प्रकार से आता है, आप एक चीज़ कह लीजिए, जैसे एन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 14 पे। तो जब भी आपको अपोजिट याद करना होता है तो 27 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और 13 नंबर पे कौन आता है, एम। ठीक है दोस्तों, यानी 27 में से अगर हम 14 जिसका जितना नंबर है उसको अगर 27 में से हम माइनस करते हैं, जैसे एन 14 नंबर पे आता है तो 27 में से एन को 14 माइनस करिए तो 13 यानी एम आ गया। ठीक है, आर आता 18 नंबर पे, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 यानी 9 नंबर पे क्या आ गया दोस्तों, आई। तो उसी प्रकार बी 2 नंबर पे आता है, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25 पे क्या आता दोस्तों, वाई आता है, एक्स वाई जेड। तो वाई तो पहला तो आ गया वाई, और के 11 नंबर पे आता है, 27 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बच जाएगा, 16, और 16 नंबर पे क्या आता है, पी। तो आपका ए हो गया आंसर दोस्तों। इस प्रकार से होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, माउंट आबू, विश्व, भारत, राजस्थान, नक्की झील। देखो दोस्तों, इसको छोटे से बड़े के रूप में करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं हम नक्की झील, सबसे पहले नक्की झील। नक्की झील कहाँ है, माउंट आबू में, माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान कहाँ है, भारत में, भारत कहाँ है, विश्व में। तो यानी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, फिर 4 और फिर 5, इस प्रकार से। तो सबसे पहले नक्की झील यानी 5 नंबर, फिर माउंट आबू, तो आपका डी इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों, माउंट आबू, फिर उसके बाद में राजस्थान, फिर उसके बाद में भारत, और फिर उसके बाद में विश्व, तो आपका डी इसमें आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित, तो देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक प्रकार के और एक अलग है, तो कौन सा अलग है देखिए दोस्तों, यूरोप, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। दोस्तों आपको पता है कि जैसे यूरोप भी महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका भी महाद्वीप है, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप नहीं है, तो ये इनमें से अलग हो गया, बी इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दस्ताने, हाथ, जूते। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या हो रहा है, 50, 49, 53, 44, 60 और 35। दोस्तों इसमें दो क्रम चल रहे हैं, एक में बढ़ रहा है क्रम, एक में घट रहा है। जैसे अगर हम देखो 49 से इसमें 53 प्लस हो गए, फिर इसमें 7 प्लस हो गए, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, एक बार क्या कर रहा है, विषम संख्या को, पहली विषम संख्या को माइनस, और जो इससे अगली विषम संख्या आ रहे हैं उसको प्लस, फिर एक विषम संख्या को माइनस, और उससे अगली विषम संख्या को प्लस, इस प्रकार से इसमें क्रम चल रहा है। जैसे 50 - 1 ये हो गया, फिर 50 + 3 तो ये 53 आ गया। अब 53 - 49 जो ये क्रम है, इसमें से -5 तो 44 आ गया, फिर ये जो 53 चल रहा है इसमें +7 तो 60 आ गया। तो अब दोस्तों अगले में क्या होगा, फिर 44 - 9 तो 35 आ गया, और फिर 60 + 11 तो कितना आ जाएगा, 71, तो ये आपका हो गया 71, 77 आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, मधुमेह रोग। तो सेम इनमें से कौन सा इस प्रकार का, बोतल पानी, फसल, किसान, कार्यालय, कर्मचारी, या ग्रीष्म ऋतु। जैसे मधुमेह एक प्रकार का रोग है, उसी प्रकार की ग्रीष्म एक ऋतु है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, डी। अगला देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, इनको आप अच्छे से देखना। इसमें क्या किया गया है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से दो चिन्हों का और दो संख्याओं को आपस में बदल लेना चाहिए। दोस्तों दो संख्या को आपस में बदलना है और दो चिन्ह को, जैसे नीचे ऑप्शन में दिया गया कि गुना की जगह अगर आप प्लस करो और 8 की जगह 25 करो। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सटीक चीज़ देखनी है कि देखो अगर 8 को 25 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 200। फिर हम कुछ भी अगर यहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जबकि आपके बराबर में आ रखे हैं 138।
तो इसलिए आपको क्या करना है कि 25 को एक्सचेंज करना चाहिए किसी से करना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर 5 का भाग देंगे, सॉरी 5 का भाग अगर हम 15 में देंगे तो बचेंगे 3, तो यानी 15 को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम ऑप्शन लेते हैं डी दोस्तों, तो गुना की जगह प्लस कर लेते हैं और प्लस की जगह गुना, तो यहाँ पर क्या करा है, 16 में प्लस है, यहाँ पर हम गुना का चिन्ह कर देंगे, और जहाँ पर गुना का है यहाँ प्लस का कर देंगे। तो दोस्तों अब ये हल करते हैं इसको, और यहाँ पर 25 लाते हैं 15 की जगह, और तो क्या हो जाएगा, 16 गुना 8 प्लस 15 आ जाएगा, यहाँ पे जगह भी चेंज हो जाएगी ना इनकी, माइनस 25 भाजक 5। तो 5 का 25 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार, 5 इसमें से हम माइनस करेंगे किसमें से, 15 में से, तो कितने बच जाएंगे, 10, और 16 को 8 से गुना करेंगे तो 128 प्लस 10 138, तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया दोस्तों। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं, नहीं करते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें, ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वो आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती है, तय की गई कौन सी निष्कर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कई बार, क्वेश्चन हर पेपर में आता है ये क्वेश्चन दोस्तों। इसको एक आरेख में आप बदल सकते हो और आसानी से कर सकते हो। कोई भी प्लास्टिक लोहा नहीं है, तो मतलब ये मान लो कि कोई भी जो प्लास्टिक है आपकी वो लोहा नहीं है, कोई भी प्लास्टिक लोहा नहीं है, तो ये मान लो ये प्लास्टिक है और ये लोहा है। सभी स्टील लोहा है, यानी जितने भी स्टील है वो क्या है, लोहा है, तो लोहे के अंदर होगी स्टील, तो यानी ये आपका आरेख बन गया। अब इसी के आधार पे आपको इसका आंसर करना है दोस्तों। तो इनमें से क्या आपका आंसर होगा, देखो कुछ प्लास्टिक, जैसे पहले मैं आरेख बना देता हूँ, इधर भी वो आरेख बना देता हूँ मैं, इधर भी हमने जो आरेख बनाया था वो इस प्रकार का था। तो अब देखिए, कुछ प्लास्टिक स्टील है, तो कुछ प्लास्टिक स्टील है क्या, नहीं, प्लास्टिक कोई लोहा नहीं है, और लोहा नहीं है तो वो स्टील भी नहीं है, तो प्लास्टिक ये अपना प्लास्टिक है, ये लोहा बिल्कुल नहीं है, स्टील कुछ भी नहीं है। कुछ लोहा स्टील है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लोहे के अंदर स्टील है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी स्टील प्लास्टिक नहीं है, तो ये भी बात सही है, कोई भी स्टील प्लास्टिक नहीं है, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि कथन 2 और कथन 3 ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, अक्षरों के समुच्चय इसको पूरा करना होता है, आपको सभी को पता है कि इसमें फिल करना होता है। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी ये वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ पर, इनको क्या करना है दोस्तों, काउंट करना है। इनको काउंट करोगे तो कितना आएंगे, जैसे इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल ये 16 है। तो दोस्तों 16 के कितने क्रम, या तो 2 का जोड़ा बन सकता है या 4 का, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, 2 का जोड़ा तो बनेगा नहीं, 4 का जोड़ा बनाते हैं। 4 का जोड़ा बनाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये पहला पद हो गया और ये इसका अगला पद हो गया। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ देख लीजिए, जो पहला पद 4 का और ये अगला पद 4 का, तो इसमें पहले के बाद में 2 खाली है, लेकिन इसमें अगला है, इसमें भरा हुआ, के बाद में क्या आएगा, एक्स जेड। तो एक्स जेड किसमें, पहला ही ऑप्शन देखिए, एक्स जेड, तो के एक्स जेड एम राइट, के एक्स जेड, इसका ये तीसरा एम आ जाएगा यहाँ पर राइट, के एक्स, तो ये यहाँ पर जेड आ जाएगा एम, और अगला में भी के एक्स जेड राइट। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर लोगे दोस्तों। इसमें क्या करना है कि जो फिल किया है इसको, जैसे 16 अंक है तो इनको किस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 में और 4 में, तो 4-4 के अगर हम पद ले लिए, तो ये 4 का, ये 4 का, तो ये 4 है, इसमें से आपको देखो 3 तो यहाँ मिल जाएगा, 1, 2, 3, यानी के एक्स जेड तो पक्का आएगा, तो के एक्स जेड इसमें फिल कर देना है, और एम इसमें दे रखा है, तो चारों आपको मिल चुका है कि के एक्स जेड और एम, ये इसमें एक क्रम चल रहा है, बस यही क्रम बनाना बिल्कुल इजीली कर सकते हो दोस्तों।